तो हेलो स्टूडेंट्स, मैंने आपको पिछली क्लास में कुछ न्यूमेरिकल और थ्योरी भी बताई थी। यदि आप इस क्लास को देखना चाहते हो तो पहले मेरी उस वीडियो को जाकर देखिए, तभी आपके ये क्लास भी समझ में आएगी। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको ओम के नियम के कुछ न्यूमेरिकल प्रश्न हल करके बताऊँगा, जिससे रिलेटेड हर साल एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखना, समझना और बीच में स्किप बिल्कुल मत करना, इससे आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। और अंत में मैं आपको 5 नंबर वाला न्यूमेरिकल हल करके दिखाऊंगा, जिससे रिलेटेड अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखना, बने रहो मेरे चैनल के साथ। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक। तो चलते हैं टॉपिक की ओर। बोर्ड के स्क्रीन पर आपका पहला प्रश्न है, तो चलिए इसे हल करके देखते हैं। तो प्रश्न में पूछा गया है कि इस परिपथ में 10 ओम, 6 ओम तथा 4 ओम के 3 प्रतिरोधक श्रेणी क्रम में संयोजित है। ये 3 प्रतिरोधक श्रेणी क्रम में संयोजित किए गए हैं। पूरे संयोजन का विभवांतर 10 वोल्ट है। प्रत्येक प्रतिरोधक में धारा एवं विभवांतर ज्ञात करना है। तो हमें प्रत्येक प्रतिरोधक में धारा और विभवांतर का मान ज्ञात करना है। प्रश्न को ध्यान से समझिएगा कि कहना क्या चाहता है। इसमें हमें प्रत्येक प्रतिरोध में धारा और विभवांतर सभी में अलग अलग से ज्ञात करनी है। तो आइए ज्ञात करते हैं। तो आइए देख लेते हैं। हमें पहले निकालना है I का मान और उसके बाद V का मान हमें निकालना है। प्रत्येक प्रतिरोधक में ज्ञात करनी है। तो आइए जानते हैं कैसे करते हैं। तो हमें पता है ये श्रेणी क्रम में संयोजित है। तीनों प्रतिरोधक श्रेणी क्रम में संयोजित है। तो हम R1 बराबर क्या होता है, R1 का मान यहां पर दिया गया है 10 ओम। इसी प्रकार R2 दिया गया है 6 ओम और R3 दिया गया है 4 ओम और हमें कुल विभवांतर दिया गया है, कुल विभवांतर बराबर दिया गया है 10 वोल्ट। तो ये हमें प्रत्येक प्रतिरोध में ज्ञात करना पड़ेगा और प्रत्येक प्रतिरोध में हमें धारा का मान भी ज्ञात करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम कुल प्रतिरोध ज्ञात कर लेते हैं। यहां से यहां तक हम सबसे पहले कुल प्रतिरोध ज्ञात कर लेते हैं। तो श्रेणी क्रम में जुड़ा है तो R बराबर क्या होगा, तो R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 होता है। तो बराबर क्या होगा, 10 प्लस 6 प्लस 4 बराबर 10 और 6 16 4 20 होता है। तो R बराबर क्या आया, 20 ओम। तो हमारा कुल प्रतिरोध आ गया है। अब हम निकालते हैं धारा। तो I बराबर क्या होता है, V/R। I बराबर क्या होता है, V/R, क्योंकि हमें पता है R बराबर V/I। तो I बराबर क्या होगा, V/R। तो हमें पता है V का मान दिया गया है 10 वोल्ट, यहां पर 10 लिख लेते हैं। और R कितना आया है, R का मान आया है यहां पर 20 ओम। तो इन्हें काट देते हैं,
20 से 10 को भाग देंगे तो कितना आता है 0.5 एम्पियर। तो धारा का मान कितना है 0.5 एम्पियर। तो हमें सभी प्रतिरोध में अलग अलग धारा का मान निकालना है। तो हमें पता है कि ये श्रेणी क्रम में संयोजित है, तो प्रत्येक प्रतिरोधक में 0.5 एम्पियर ही धारा बहेगी। जब कोई परिपथ श्रेणी क्रम में संयोजित होता है तो उसमें सभी प्रतिरोधों में एक ही धारा प्रवाहित होती है, तो सभी प्रतिरोधों में 0.5 एम्पियर धारा ही प्रवाहित होगी। यहां तक आपकी समझ में आ गया होगा। तो अब हम विभवांतर ज्ञात कर लेते हैं कि प्रत्येक प्रतिरोध में कितना विभवांतर होगा। तो हमें पता है V बराबर क्या होता है, V बराबर होता है I गुना R। तो V1 हमें यहां पर V1 ज्ञात करना है और ये V2 और ये V3 मान लेते हैं। हमें पता है कि V1 प्लस V2 प्लस V3 बराबर क्या होता है V। तो आपको ये ध्यान रखना है कि इन तीनों विभवांतर को 10 ही होना चाहिए। तो हम सबसे पहले V1 ज्ञात कर लेते हैं। V1 तो V1 बराबर क्या होगा I कितनी है 0.5, तो 0.5 गुना R कितना है 10 है, तो इसकी गुना 10 से कर देते हैं। कितना आएगा, ये आएगा 5.0 वोल्ट। अब हम इसी प्रकार V2 का विभवांतर निकाल लेते हैं। V2 में I का मान 0.5 ही है क्योंकि धारा सभी में एक ही बहेगी, तो 0.5 गुना R का मान इसमें कितना है 6 है, तो कितना 6, 0.5 की 6 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 3.0 वोल्ट। इसी प्रकार V3 निकाल लेते हैं। V3 में भी धारा 0.5 गुना V3 में R का मान 4 ओम है, तो इसमें 4 की गुणा कर देंगे, कितना होगा 2.0 वोल्ट। अब हम ये देख लेते हैं कि ये तीनों विभवांतर का मान हमारा सही आया है या गलत आया। तो हम देख लेते हैं V1 प्लस V2 प्लस V3 बराबर 5 प्लस 3 प्लस 2 बराबर कितना 10 वोल्ट। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं दूसरा सवाल आपकी स्क्रीन पर है, तो आइए इसे हल करते हैं। तो सवाल में पूछा क्या गया है कि ए तथा बी बिंदु के बीच कुल प्रतिरोध ज्ञात करना है। तो चलिए इसे हल करके देखते हैं कैसे होगा। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि यहाँ पर ये दो प्रतिरोध जो जुड़े हैं ये दोनों श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं, और ये जो प्रतिरोध है ये इन दोनों के समांतर में जुड़ा है। तो आइए सबसे पहले हम इस प्रतिरोध को हल कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम 2 ओम और 3 ओम इसको हल कर लेते हैं। तो R1 बराबर कितना होगा 2 ओम प्लस 3 ओम प्लस 3 ओम, क्योंकि ये श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं तो इसलिए हम इन्हें ऐसे ही जोड़ देंगे, तो कितना होगा 5 ओम, ये होगा 5 ओम। अब ये जो प्रतिरोध है ये दोनों 5 ओम आए हैं। अब हम देखते हैं कि जो 5 ओम और ये 4 ओम ये दोनों समांतर क्रम में हो गए हैं, तो ये R2 मान लेते हैं हम। R2 बराबर 4 ओम। अब हम देख लेते हैं R1 बराबर हमारा हो जाता है 5 ओम और R2 बराबर 4 ओम, हमें
कुल प्रतिरोध का मान ज्ञात करना है। तो R बराबर क्या होता है? तो ये समांतर क्रम में जोड़ा गया है, इसलिए एक बटे आर बराबर क्या होगा? एक बटे आर वन प्लस एक बटे आर टू। आर वन हमारा 5 ओम है, तो एक बटे 5 प्लस एक बटे 4। आर टू का मान 4 है, तो एक बटे 4। तो अब हमें इसे हल कर रहे हैं, ये कैसे हल होगा? इन दोनों का ले से ले लेंगे, तो ले से कितना आता है इसका? 20। तुमने ले से ले लिया है, अब हमें 5 से 20 को भाग देना है, कितना आएगा? 5 चौक 20 और 4 की 1 में गुणा कर देंगे, तो 4 एकम 4। अगर आपके भिन्नों का जोड़ आता है तो आप इसे आसानी से हल कर सकते हैं, और 4 5 20 और 5 एकम 5। अब हम इन्हें जोड़ देते हैं 9 बटे 20। तो R बराबर क्या होगा? 1 बटे R बराबर 9 बटे 20 है, तो R बराबर कितना होगा? 20 बटे 9 होगा, बराबर कितना आएगा? 2.2। इसे हल करने के बाद 2.2 तो आपका ये उत्तर है। तो स्टूडेंट्स, तीसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, आइए इसे हल करके देखते हैं कैसे होगा। तो प्रश्न में कहा गया है कि परिपथ में A तथा B बिंदुओं के बीच में परिणामी प्रतिरोध का मान ज्ञात करना है। इस बिंदु और इस बिंदु के बीच में हमें परिणामी प्रतिरोध ज्ञात करना है। परिणामी प्रतिरोध का मतलब कुल प्रतिरोध ज्ञात करना है कितना होगा। तो हम देखते हैं कि ये तीनों प्रतिरोध श्रेणी क्रम में संयोजित है, तो हमें पहले इनका कुल प्रतिरोध निकाल लेना है। तो आर वन बराबर क्या होगा? हमें पता है श्रेणी क्रम का जो सूत्र है वो क्या होता है? आर बराबर आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री होता है। तो हमें इसका मान निकालना है, तो आर वन मान लेते हैं हम इस पूरे को और इसे हल कर लेते हैं। 2 ओम प्लस 3 ओम प्लस 4 ओम, तो कितना हुआ? 2 और 3 5 और 4 9। तो आर वन बराबर 9 ओम। अब जब ये 9 ओम आ जाता है पूरा, अब ये ओम, ये प्रतिरोध और ये प्रतिरोध, ये दोनों समांतर क्रम में हो जाते हैं। तो अब हम इसका समांतर क्रम का फॉर्मूला लगाकर इसे हल कर लेंगे। तो 1 बटे R बराबर क्या होगा? 1 बटे 9 प्लस 1 बटे 9 बराबर क्या होगा? 2 बटे 9। और R बराबर क्या होगा? 9 बटे 2। ये हम उल्टा क्यों कर लेते हैं? क्योंकि हमें R का मान चाहिए, तो अब हम इसे उल्टा करेंगे तो एक नीचे आएगा, एक नीचे हम लिख भी सकते हैं नहीं भी, तो इसे भी हमें उल्टा ही करना पड़ेगा। तो इसका उत्तर आता है 2 से 9 को भाग देने पर 4.5 आ जाता है। तो ये कुल प्रतिरोध इसका होता है 4.5, ये आपका उत्तर है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो स्टूडेंट्स, आपकी स्क्रीन पर प्रश्न दिया गया है, तो हमें इसमें ए तथा बी बिंदु के बीच कुल प्रतिरोध का मान ज्ञात करना है। ए और बी बिंदु के बीच कुल प्रतिरोध ज्ञात करना है, क्या होगा? तो हम देखते हैं कि ये तीनों प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हैं, तो हमें पहले इन्हें ही हल करना पड़ेगा, इनका ही कुल प्रतिरोध हमें निकालना पड़ेगा। हमें ये नहीं कि श्रेणी क्रम में ही पहले करना है, समांतर क्रम में भी पहले निकाल सकते हैं। तो आइए इसे निकालते हैं कैसे होगा। 1 बटे R1 बराबर क्या होगा? 1 बटे 3 प्लस 1 बटे 3 प्लस 1 बटे 3। इन तीनों प्रतिरोधों को हम जोड़ देंगे, 1 बटे R, 1 बटे R2, 1 बटे R3, इस तरीके से जोड़ेंगे। तो क्या होगा? 1 बटे R1 बराबर होगा, इन्हें कॉमन ले लेंगे हम, 1 प्लस 1 प्लस 1
जब हर समान होते हैं तो ऊपर से ऊपर ही जोड़ देते हैं, तो कितना होगा 3/3 बराबर 1, तो आर वन बराबर क्या आया 1 ओम। अब हम देखते हैं इसका तुल्य प्रतिरोध 1 ओम है, यहां से ये तीनों 1 ओम आया इनका। अब हम देखते हैं ये वाला और ये वाला, ये दोनों श्रेणी क्रम में हो जाते हैं, तो अब हमें इन्हें श्रेणी क्रम में ही निकालना पड़ेगा। तो कुल प्रतिरोध बराबर क्या होगा, आर बराबर इन दोनों को हम श्रेणी क्रम में हल करेंगे, तो 3+1 3 ओम प्लस 1 ओम बराबर 4 ओम, तो आर बराबर 4 ओम इसका कुल प्रतिरोध है। तो अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, तो प्रश्न को हम देखते हैं। इसमें प्रवाहित धारा, पूरे परिपथ में प्रवाहित धारा तथा 10 ओम प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर की गणना करनी है, यानी हमें I बराबर ज्ञात करना है और 10 ओम प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर ज्ञात करना है, 10 ओम के बीच विभवांतर। तो आइए इसे हम कैसे करते हैं सबसे पहले देखते हैं। तो हमें I का मान निकालने के लिए क्या चाहिए, I बराबर होता है V/R, तो R का हमें मान अभी पता नहीं है, तो हम सबसे पहले R का मान निकाल लेते हैं। तो R बराबर क्या होगा, ये दोनों श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो इन्हें हम जोड़ लें, कितना होगा 10 ओम प्लस 20 ओम बराबर 30 ओम, तो R बराबर क्या हुआ 30 ओम। तो I बराबर क्या होगा, तो I बराबर होगा V/R, तो V का मान हमें दिया है 15 और R का मान हमारा आया है 30, तो ये आया 1/2, या हम इसे बोल सकते हैं 0.5 एम्पियर। अब हमें इसमें 10 ओम के बीच विभवांतर ज्ञात कर रहे हैं, तो R बराबर हमारे पास है 10 ओम और I बराबर हमारे पास है 0.5 एम्पियर, तो V बराबर क्या होता है I R, तो 0.5 × 10 बराबर 5 वोल्ट। आशा करता हूँ कि आपकी समझ में आ ही गया होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो कि हर साल आपके एग्जाम में पूछा जाता है, तो इस प्रश्न को ध्यान से देखेगा और समझिएगा। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो स्टूडेंट्स, आपके सामने सवाल है जो कि एग्जाम में हर साल पूछा जाता है, इससे रिलेटेड बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में। सेम इसी तरीके से एग्जाम में भी ऐसा प्रश्न आपके पूछा जाएगा, तो आपको ये सवाल बड़े ध्यान से देखना है। तो चलिए इस सवाल को हल करते हैं कैसे होगा। तो परिपथ आपके सामने है और इससे रिलेटेड प्रश्न भी आपके सामने है जो कि हम हल करने वाले हैं, सेम एग्जाम में भी ऐसे ही दिए जाते हैं। तो सबसे पहले हमें ए व बी के मध्य प्रतिरोध ज्ञात करना है, तो हमें पता है 4 ओम और 2 ओम श्रेणी क्रम में है और 2 ओम और 1 ओम ये भी श्रेणी क्रम में है, तो हम इन्हें सबसे पहले हल कर लेते हैं। तो आर वन हम ज्ञात कर ले रहे हैं 4 ओम प्लस 2 ओम, बराबर 6 ओम। तो आर टू अब हम ज्ञात कर लेते हैं 2 ओम प्लस 1 ओम,
कितना होगा, 2 और 1 3 ओम। अब हमें ज्ञात करना है इसका कुल प्रतिरोध क्या होगा, तो 1/R- बराबर 1/6, क्योंकि ये समांतर क्रम में है, ये 6 ओम और ये 3 ओम समांतर क्रम में है, तो हम इन्हें भी हल कर लेते हैं समांतर क्रम का फॉर्मूला लगाकर। तो 1/6 + 1/3 तो कितना होगा, ये 1 + 2 3/6 और R- क्या होगा, 6/3 = 2। ये R डैश हमने क्यों माना, ये मैं आपको अभी बता दूंगा क्यों माना। अब हमें परिपथ में प्रवाहित धारा का मान ज्ञात करना है, तो धारा का मान हमें तब पता होगा जब हमें पूरे परिपथ में तुल्य प्रतिरोध ज्ञात होगा। तो अभी 3 ओम शेष बचा है, तो हम सबसे पहले तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कर लेते हैं, क्योंकि हमें पता है आई बराबर होता है V/R, यानी कि कुल विभवांतर और कुल प्रतिरोध हमें पता होना चाहिए। तो विभवांतर हमारे पास 10 वोल्ट है और R हमें अभी पता नहीं है, तो R बराबर हम ज्ञात कर लेते हैं। R डैश हमारा 2 ओम आया, तो जितना हमारा इस परिपथ में तुल्य प्रतिरोध आएगा उसे हम इसके साथ हल करेंगे। तो हम देखते हैं कि ये 2 ओम यहाँ पर पूरे परिपथ में 2 ओम इसका तुल्य प्रतिरोध है और यहाँ 3 ओम, तो ये दोनों श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं। तो अब हम इन्हें श्रेणी क्रम का फॉर्मूला लगाकर ज्ञात कर लेते हैं। तो हम इसे ज्ञात कर लेते हैं, तो 2 ओम + 3 ओम कितना होगा, 2 ओम + 3 ओम बराबर होता है 5 ओम। तो पूरे परिपथ का ये तुल्य प्रतिरोध है। तो अब हम इससे I का मान भी ज्ञात कर लेंगे, तो I बराबर क्या होगा, V/R, V का मान हमारे पास 10 है और R का मान 5, तो 10/5 = 2 एम्पियर। तो अब हमें हमारा ये हल हो गया। अब हमें किस हल कर रहे हैं, A वे B के बीच विभवांतर, तो A के बीच हमारा कुल प्रतिरोध कितना आया था, 2 ओम और धारा का मान हमारे पास 2 एम्पियर है। तो हमें पता है V बराबर क्या होता है, V बराबर होता है I/R। तो I बार हमारे पास 2 एम्पियर है, तो 2 × 2 = 4 वोल्ट, तो हमारे पास V का मान भी आ गया 4 वोल्ट। अब हमें ज्ञात करना है 3 ओम के प्रतिरोध के सिरों का विभवांतर। ये जो 3 ओम है इसके सिरों के बीच हमें विभवांतर ज्ञात करना है। हमें पता है V बराबर क्या होता है, I/R। तो 3 ओम के सिरों के बीच विभवांतर, तो V बराबर होता है I/R। तो हमें V बराबर निकाल लेना है, I का मान हमारे पास 2 एम्पियर है, यहां पर 2 एम्पियर दिया गया है, तो 2 × 3 ओम के सिरों के निकालना है, तो R का मान हमें 3 ही रखना पड़ेगा, तो V का मान आ जाता है 6 वोल्ट। तो यहां पर ये सवाल खत्म हो गया। आशा करता हूं आपको ओम का नियम अच्छे से समझ में आया होगा और इसके न्यूमेरिकल भी बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो फ्रेंड्स, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिलती रहे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।